इतनी बिगड़ गई थी पता है एक टाइम बाद। क्यों जानना आपको? आई स्वेयर मम्मी मैंने नहीं किया है। इतना ज्यादा क्रेज था घर जाने का कि भले ही वो बिना पैंट के जाए बट जाना जरूर है घर। इसके जैसे सीधी नहीं थी मैं। नहीं नहीं आजकल मैं नहीं करती वो सब फालतू पता है झगड़े वगड़े हो गए मुझे ही उधर उल्टा सीधा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय दिस इज ईशान धवन। हाय दिस इज रिया एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फिल्मी बीट। फिल्मी बीट्स के साथ हम करने वाले हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। CDMA बहुत पुराना था। CDMA GSM हुआ करता था। CDMA मुझे तो फर्स्ट सेल फोन मतलब मुझे यूज करने दिया था मेरे पेरेंट्स ने बट ओनली घर पे वो मैं बाहर नहीं लेके जा सकती थी है ना। तो क्या होता था यार नोकिया होता था ना। नोकिया भी होता था जिसमें वायरलेस वायर लगी वायरलेस में वायर लगा होता था एंटीना होता था वो फिर रिलायंस का फोन था तो वो था मेरे पास टॉकी जैसे या सेम या माय फर्स्ट कार वाज योर्स वाज नैनो नैनो ओह पुरानी बात। माइन वाज i20 मतलब मेरी खरीदी हुई फर्स्ट ये पूछ रहे हैं मेरे पापा लोगों की वो पूछ रहे हो खुद की खरीदी हुई मेरी पुंटो थी फिर मैंने अभी नई गाड़ी ली है सो वैसा सीन सिलसिला बट नैनो बहुत ही पहली थी जब हमारे परिवार में गाड़ी आई थी। या ओह माय गॉड माय स्कूलमेट्स आर गोइंग टू लाफ इफ दे वॉच दिस। मैंने इतना बंक किया है ना मैं इतनी बिगड़ना ही बोलते यार उसको मैं इतनी बिगड़ गई थी पता है एक टाइम बाद। लाइक आई वॉज गुड विथ माई स्टडीज एंड एवरीथिंग बट देन आई देर वॉज दिस यू नो एक्साइटमेंट कि वाह क्या होता है बाहर जाना फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना। पेरेंट्स जाने नहीं देते थे क्योंकि बहुत छोटे थे। सो यार मेरा फर्स्ट क्लास बंक था व्हेन आई वॉज इन 8th ग्रेड। मैं तो लोगों को बंक करवाता था। ही वॉज द मास्टर। क्या करता था मैं सबको लेकर जाता था कि ये गेट है इस पे टापेंगे सारे। और एक बार क्या हुआ सब लोग टाप गए और मैं रह गया। टाप गए मतलब एक गेट हुआ करता था ग्रिल एक ग्रिल हुआ करती थी। अब जिसमें क्या होता था ये बात है 2010 की। तो मैंने पहली बार बंक किया था 2010 में और उसके बाद वो सिलसिला चलता ही रहा क्योंकि टापना मतलब निहारना ना। नहीं नहीं एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था ग्रिल टाइप का। तो वहाँ पे वॉचमैन हुआ करता था साइड पे और साइड पे बहुत बड़ा होता था गेट जिसपे कोई खड़ा नहीं होता था बीच में बॉर्डर होता था उसको दिखता नहीं था। तो हम वहाँ से टापते थे एक चेयर लगा के एक दो तीन चार। एक बार तो पैंट फट गया था एक दोस्त का मेरा और वो फटी पैंट में घर गया था। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज था घर जाने का कि भले ही वो बिना पैंट के जाए बट जाना ज़रूर है घर। हम यार बहुत सीधे बच्चे थे हम वहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मॉल में गए थे एक बार पकड़े गए थे उसने कहा कि बंक करके आओ चलो तो मैं डैडी का नंबर दो। तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद धीरे 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 12th आ गई। 12th के बाद तो ऑफकोर्स शॉर्ट हो जाता टाइम फिर तो ट्यूशन में ही ट्यूशन बंक करनी पड़ती है स्कूल में। मैं तो कितनी ट्यूशन तो बाय गॉड मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड जॉयलिन ओ माय गॉड वी बंक्ड आवर ट्यूशंस लाइक हाउ। और ऐसा नहीं इसके जैसे सीधी नहीं थी मैं कि मैं घर जाऊंगी। मैं तो सीधा निकलती थी डैम घूमने डैम जाऊंगी कैफ़े जाऊंगी। हल्दीराम सा हमारे होम टाउन में है मतलब वहाँ पे खाना वाना खाने सोया। और तब तो नए नए एकदम लड़कों का दोस्त बनना बहुत वो था यू नो टीनेजर्स। तो या माइन फर्स्ट जॉब इज़ वेबसाइट डेवलपर। जॉब नहीं थी मैंने खुद ही अपना बिजनेस किया था। जॉब कभी करने को मिली नहीं मुझे। माय फर्स्ट जॉब वाज एन एक्टर। फर्स्ट पेचेक मेरा आया था 15,000 का। वेबसाइट बनाई थी मैंने और मुझे 15,000 बहुत ही किश्तों में मिले थे 5,000 करके वो 6 महीने के टेन्योर में। और या पहली डिसअपॉइंटमेंट थी कि पैसा लेट आया। मेरा तो मेरा 4.5-5 साल पहले था। इट वॉज़ अराउंड व्हाट बताना है कि कितना है बट आई विल टेल यू 40-45,000। दैट वाज माय 12 में आया था मेरा वाला। मेरा भी 4.5-5 साल पहले मेरा फर्स्ट एपिसोडिक था। फर्स्ट थिंग वेकिंग अप आई वोक अप उसके बाद बस गाड़ी की चाबी उठाई। उठते तो सभी हैं वो भी है कि नहीं
सबसे पहली चीज जो मैंने करी वो था शार लिया मैंने, अब ठीक है। नाइस, गुड जॉब। मैंने तो नहीं किया वैसा, मतलब मैंने बाद में किया, मैंने मुझे करना ही पड़ा बिकॉज रात को मैं कुछ बना था जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आप देखेंगे 20 फरवरी से, और जो कि मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत कुछ लगाना पड़ा अपने शरीर पे। सो वो देखने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा ध्रुव तारा 20 फरवरी से सोमवार से शनिवार शाम 8 बजे। हाँ, तो मैंने तो आई वोक अप एंड सो यू नो आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू थिंग, मेरे माय ब्रदर हैज गिवन मी दीज, क्या बोलते हो उसको, दीज नोट्स जिसमें आप टिक करते हो द फर्स्ट थॉट आपने जो सोचा। तो मैं उठते से भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं वो लिखूँ कि मेरा पहला थॉट क्या था। तो मैंने ऑनेस्टली वो किया एंड देन आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई वेंट फॉर अ शावर एंड देन यू नो आई डिड माई ओन बिजनेस विच वी ऑल डू। गाड़ी चलाई, हाँ गाड़ी तो मैं ऐसे भगाते हुए आई हूँ आज क्योंकि मैं लेट हो गई थी। सो या बीच में एक अंकल मिला, उसको गाली दी आजकल मैं नहीं करती वो सब फालतू पता है झगड़े वगड़े हो गए, मुझे ही उधर उल्टा सीधा कर लिया। फिर वहाँ पे अंकल ने सुनाया आप ईपी ने कि लेट, बाप रे हमारे ईपी तो इतनी जान खाते हैं ना हमारी, मतलब फोन ऐसे 5-15 मिनट तो बफर होता है ना, नहीं 15 मिनट में हाँ कहाँ पहुँचे। इसका पता सोल्यूशन क्या है कि पता है लेट हो रहा है तो 10 मिनट पहले फोन, मैं तो फोन ही नहीं उठाती कि मैं यही पहुँच गई हूँ तो क्यों ही फोन उठाऊ, बहुत स्ट्रेस होता है मुझे उनसे बात करने में, बट वो बहुत स्वीट है। अगला सवाल पेश करते हैं 2 करोड़ के लिए। पहला लव प्रपोजल मैंने किया, देने दिया या मुझे मिला? मैंने एक लड़के करते हैं हमेशा। हाँ ऑफ कोर्स। I don't agree. Majorly करते होंगे बट लड़कियां भी करती है, ठीक है। मेरी फ्रेंड ने किया था तो नहीं मैं अभी जस्ट आई वाज अबाउट टू टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट द शो, वो मैं रुक गया। यहाँ पे आदिल जी खड़े हैं वो देख रहे, एपिसोड का मत बता देना कि प्रपोज वाली बात कि कुछ ऐसा है सीन में जिसमें ऐसा होता है, और वो क्या होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा 20 फरवरी से सोनी सब पे 8 बजे सोमवार से शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों जानना है आपको? हाँ मैं तो नहीं बताऊंगी, मैंने नहीं किया है कभी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्वेयर मम्मी मैंने नहीं किया है। मेरा था ऑन जी टीवी, इट वॉज देर वॉज एन एपिसोडिक फियर फाइल्स आता था तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था, दैट वॉज माई फर्स्ट एवर ऑन स्क्रीन अपीयरेंस। मेरा भी बाकी था और फिर उसके बाद जिंदगी मेरे घर आना पैरेलल ही टेंशन में, धीरे 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 फिर हम टाइम ट्रैवल ही कर लिया अब तो और वो देखने के लिए 20 फरवरी से सोनी सब पे 8 बजे से बंद शनिवार फिल्मी बीट। यस प्लीज देखिए ध्रुव तारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वैल्यूएबल टाइम।